ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस आपको जो है कुछ बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो में बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना क्या है गाइस, आप लोगों को कुछ स्टेप से अपनी फोटोज को क्लिक करवा लेना है गाइस। यहाँ पे आप पोस्ट को देख सकते हो, ठीक है, ध्यान से। एंड उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड को रिज करेंगे। रिज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ड्रॉ टूल का। ड्रॉ टूल का यूज करने से पहले गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले अपने मॉडल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद इसको हम ऊपर की तरफ रख लेंगे। फिर यहाँ पे हम ब्रश में जाएंगे। ब्रश में जाने के बाद जो है हम यहाँ पे जो है कुछ ब्रश का साइज हार्डनेस जो है हम कुछ यहाँ पे कम रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है साइज हम अपने फोटो के मतलब कि जैसा मतलब हमारी फोटोज के हिसाब से हम साइज रख लेंगे। बाकी हम इसको यहाँ पे फटाफट इरेज करते हैं। बट गाइस, यहाँ पे मैं आपको इरेज करके नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे इरेज करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए गाइस मैंने इसको जो है पहले से इरेज कर रखा है। तो आप लोगों को अगर इरेज करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की एक लिंक मिल जाएगी, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा कि बैकग्राउंड को कैसे इरेज करते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं आगे हम वीडियो की तरफ कि आपको उसको एडिट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम अपने बैकग्राउंड का ऐड कर लेंगे पिक्सआर्ट में। अब जो इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आपको अब करना है कि आपको जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। जैसे गाइस मैंने आपको बताया कि आप बैकग्राउंड को इरेज कर लेना अपने मॉडल के, फिर हम यहाँ पे इसको रखेंगे। एंड जो यहाँ पे हाइट वगैरह जो है आपको गाइस यहाँ पे देख लेना ध्यान से कि मैं कैसे रख रहा हूँ। तो आपको जो यहाँ पे दिखेगा जो अम्ब्रेला जो दिख रहा है आपको सामने जो गर्ल के जो ऊपर, तो आपको सिंपली वहाँ से जो है थोड़ा सा गैप रखना अपने मॉडल के नीचे। इससे ये पता चल जाएगा आपको कि आपको जो मॉडल है पीछे की साइड में होना चाहिए एंड जो हाइट जो है ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेनी, जिसके एडजस्ट में जाऊँगा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले इसका जो शेडो है इसको मैं हल्का सा कम कर दूंगा ताकि जो फोटो मेरी हल्की सी डार्क हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे हम सैचुरेशन में। सैचुरेशन में जाने के बाद इनका सैचुरेशन इंक्रीज कर देंगे। इसके हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोटो को डन करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना सिंपली ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना है एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, जिसका क्योंकि आप यहाँ से मतलब ऐड कर सकते हो पिक्सआर्ट में से भी। फिर आपको इरेज़र टूल में जाकर इन्वर्ट करना, ब्रश लेना, ब्रश का साइज अपनी फोटो के ऊपर रख के आपको कुछ इस टाइप से पेंट करना है। यहाँ पे हम मतलब कि एक शेडो ही बना रहे हैं, कह सकते हो। अब गाइस शेडो बनाने के जो अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, कि हर फोटो में अलग अलग टाइप से शेडो बनती है। तो अगर आपको नहीं आता तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसमें मैंने प्रॉपर समझा रखा है कि आपको शेडो जो है कैसे बनानी चाहिए, तो आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आप उस वीडियो को देख सकते हो जाके। बाकी गाइस यहाँ पे हमारी शेडो बन चुकी है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है एक मॉडल का डुप्लीकेट भी करेंगे, क्योंकि अभी हमारी शेडो जो यहाँ पे प्रॉपर नहीं बनी है, तो हम इसका डुप्लीकेट करेंगे, इसको सेम साइज में रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ले जाएंगे यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। इफेक्ट वाले ऑप्शन में ले जाने के बाद हम यहाँ से ले जाएंगे इसको कलर्स में। कलर्स में ले जाने के बाद हम इसको लेंगे ब्लैक एंड व्हाइट, एंड इसका अमाउंट जो है कर देंगे जीरो, एंड इसके बाद कर देंगे डन। इतना जाने के बाद हम जाएंगे रिजल्ट रूम में, इसको कर देंगे इन्वर्ट, एंड ब्रश का साइज जो अपनी फोटो के अकॉर्डिंग रख लेंगे। फिर उसके बाद फोटो को जूम करेंगे एंड पैरों को नीचे नीचे जहाँ पे हमने शेडो बनाई है वहाँ वहाँ पर कुछ इस टाइप से डार्क करेंगे उसे, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट करता हूँ, मैंने आपको बताता हूँ आपको आगे करना है। अब गाइस यहाँ पे हमारी शेडो बन चुकी है। अब उसके बाद आपको करना है क्या गाइस, यहाँ पे अब जो है देखिए यहाँ पे लगाना है हमें रेन का पीएनजी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से चलेंगे ऐड फोटो में, पहले इसको हम डन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डन कर लिया हमने, अब चलते हैं यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करेंगे हम यहाँ पे रेन का पीएनजी, ठीक है। इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप डाउनलोड कर लेना। तो आपको करना क्या, यहाँ पे आपको सिंपली पहले तो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर लेना है, एंड फिर उसके बाद करना फुल स्क्रीन, ओके। इसके बाद आप सबको जाना है ऐसे इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद इसको इन्वर्ट करना, ब्रश लेना, ब्रश को लेने के बाद आपको वहाँ वहाँ पे पेंट करना जहाँ जहाँ पे आपको रेन चाहिए, ठीक है। बाकी बैकग्राउंड में पूरी जगह पे रेन पहले से ही है, तो आपको हर जगह पे रेन डालने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अभी हम इसको जो है ओपेसिटी हल्की सी कम रखेंगे, एंड उसके बाद कर लेंगे इसको हम डन, परफेक्ट गाइस। अब यहाँ पे इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको कर लेंगे सेव, एंड इसको लेके चलेंगे लाइट रूम ऐप में। अब गाइस जब तक मैं इसे सेव करके लाइट रूम ऐप में ऐड कर रहा हूँ, जब तक यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको दिख रहा होगा नीचे हम 30,000 सब्सक्राइबर कितने करीब हैं। तो बाकी चलते हैं यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन में। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे पहले हम इसकी लाइट करेक्ट करेंगे। तो पहले हम जो है इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, एंड जो हाईलाइट है इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, शेडो को जो है हल्का सा हम इंक्रीज कर देंगे, एंड जो ब्लैक्स है इसको हम कम कर देंगे, एंड व्हाइट्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चलेंगे कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद हम पहले इसका वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, एंड उसके बाद जो है टेम्परेचर हल्का सा कम करेंगे। फिर चलेंगे मिक्स में, ऑरेंज कलर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, इसका जो ल्यूमिनस है हम इसको बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम यहाँ पे सैचुरेशन थोड़ा सा कम कर देंगे, एंड जो यहाँ पे येलो का जो मतलब ऑरेंज का जो ह्यू है इसको हम थोड़ा माइनस प्लस की तरफ रखेंगे। फिर चलेंगे येलो कलर में। येलो कलर में जाने के बाद हम इसका ह्यू जो है माइनस की तरफ रखेंगे, एंड जो ल्यूमिनस है इसको हम थोड़ा सा प्लस की तरफ, एंड सैचुरेशन को थोड़ा माइनस की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं ग्रीन में। ग्रीन में जाने के बाद हम इसका ह्यू माइनस करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद जो ल्यूमिनस है इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्लस कर देंगे, एंड कर देंगे जाएंगे ब्लू वाले में। ब्लू वाले में जाने के बाद हम इसका ल्यूमिनस कम रखेंगे ताकि हमारे जो पेंट विंडोज का कलर थोड़ा डार्क हो जाए, एंड सैचुरेशन थोड़ा प्लस कर देंगे ताकि कलर का जो ओपेसिटी बढ़ जाए,
फिर जाएंगे नीचे लोटल में, फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे, फोटो में विग्नेट डाल देंगे अपने फोटो के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें ज़्यादा विग्नेट नहीं चाहिए, नहीं तो इससे नकली फोटो लगती है। अब फीदर को इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो है थोड़ा बिखरा बिखरा सा हो जाए। फिर जाएंगे नीचे लोटल में, फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे, नोट डॉक्शन को बढ़ा देंगे, एंड फाइनली हमारी फोटो यहाँ पर कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चले तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।